दोस्तों चलिए बनाती हूँ आज भिंडी की ग्रेवी। तो सबसे पहले हमें इस तरह से भिंडी को कट करना है और यहाँ हल्का से तेल गरम करके हमें भिंडी को कोटे करना है और अच्छी तरह से हमें भिंडी को फ्राई कर लेना है। इस तरह से ज्यादा नहीं, तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे चलाते हुए इसको हमें कोटे कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी भिंडी देखिए छोटे हो गया है, अच्छी तरह से कलर भी चेंज हो गया है। इन सारी भिंडियों को हमें निकाल लेना है वापस से प्लेट में। वापस से डालना है ऑयल ग्रेवी के लिए, ग्रेवी करने के लिए। यहाँ पर मैं ऐड कर दी हूँ 1 पाव भिंडी है हमारे पास में, तो यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच ऑयल ली हूँ। जी हाँ, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। ऑयल अच्छी तरह गरम हो गया है, हम इसमें डालेंगे सरसों, मेथी, जीरा का फोरन। अच्छी तरह से तड़कने देना है हमें और डालना है प्याज है जो पीस के रखी थी वो मैं ऐड कर देती हूँ। प्याज को अच्छी तरह भून लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी प्याज के साथ ही भूनना है हमें। खुशबू आने तक अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज भुंजा गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड करिए जिस हिसाब से आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, सूखे मसाले। मिर्ची का पाउडर है 1 छोटा चम्मच ऐड कर लीजिए और हल्दी का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। यहाँ पर मैं धनिया का पाउडर डालूंगी 2 छोटे चम्मच। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मसाले अच्छी तरह से भुंजा गए हैं, आपको देखने में ही दिख रहा होगा। और तेल भी माशाल्लाह से मिला ले और एक भिंडी तक अच्छी तरह से भून ले। साथ भिंडी अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और भिंडी को सॉफ्ट होने तक हमें धीमी आंच में पका लेना है। और आपको जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से रखें और हमारा भिंडी का जो ग्रेवी है बन के रेडी हो जाएगा। इसको आप रोटी, पूरी, चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसको स्लो करती हूँ चूल्हे को और बीच बीच में चलाते हुए हमें भिंडी को बना ले, लेकिन ज़्यादा नहीं चलाइएगा, भिंडी जल्दी टूट जाती है। ढक्कन कवर कर देना है, चूल्हे का फ्लेम को लो कर दे। भिंडी और ग्रेवी बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अगर मेरी बनाई रेसिपी आपको पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में ज़रूर याद रखें।